नमस्कार, लक्ष्मी खाना खजाना में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आज हम बनाएंगे एक स्पेशल सी सब्जी, यानी कि तरबूज के छिलकों की खट्टी मीठी चटपटी सी सब्जी, जो कि खाने में तो टेस्टी होती है और बनने में भी बहुत आसान है। और ये तरबूज के छिलके, जो कि हम गर्मियों में तरबूज तो खाते ही हैं, छिलके फेंक देते हैं, उन छिलकों की हम सब्जी बनाएंगे। एकदम इतनी टेस्टी सब्जी बनेगी कि आप बार बार बनाना चाहोगे। पहले हम इन छिलकों को छील लेते हैं। कुछ इस तरह से सारे तरबूज के छिलकों को छील के ग्रीन पार्ट निकालेंगे। इस तरह सारे छिलके छील लेंगे। सारे छिलकों को हमने छील लिया है, जो एक्स्ट्रा ग्रीन पार्ट है उसे हम फेंक देते हैं और बाकी इनको अभी छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेते हैं। इनको हम छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे, कुछ इस तरह से। ये सब्जी बाजरे की रोटी के साथ इतनी टेस्टी लगती है खाने में। एक तो ये खट्टी मीठी बनती है और इतनी टेस्टी लगती है। इसी तरह से सारे कटिंग कर लेंगे। सभी छिलकों को कटिंग कर लिया है। अब हम इसमें एक छोटी सी हरी मिर्ची कटिंग कर देते हैं, बस इतनी सी। अब हम चलते हैं गैस की ओर। ये लिए हमने एक कढ़ाई और गैस को कर दिया है ऑन, और कढ़ाई में हमने 3 छोटे चम्मच तेल ऐड किया है। तेल को गर्म होने देते हैं। तेल गर्म हो गया है, इसमें ऐड करते हैं 1/3 चम्मच जीरा, 1/3 चम्मच हींग। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/3 चम्मच हल्दी पाउडर, और जो हमने सब्जी कटिंग की थी उसे इसमें ऐड कर देते हैं। उसके बाद चला देते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर, स्वाद अनुसार नमक। नमक थोड़ा कम ही ऐड करेंगे क्योंकि हम ये मीठी खट्टी मीठी सब्जी बनाने वाले हैं, तो इसमें हम शक्कर भी बाद में ऐड करेंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। अब इसमें थोड़ा पानी ऐड करेंगे, 1 कप जितना, ताकि ये पक भी जाए और मसाले भी मिक्स हो जाए। अब इसे ढक के 5 से 7 मिनट पकने देते हैं, और प्लेट के ऊपर थोड़ा ठंडा पानी डाल देंगे ताकि वो भी गर्म हो जाए। यदि हम लोगों को जरूरत होगी तो हम गर्म पानी सब्जी में ऐड कर देंगे। सब्जी को चेक कर लेते हैं। ये लगभग बनने लग गई है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 चम्मच शक्कर, ताकि ये खट्टी मीठी चटपटी सी लगे और खाने में बहुत टेस्टी लगे। और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे खट्टापन देने के लिए राजस्थानी कासरी, जिससे क्या इसमें खट्टापन आएगा, 1 चम्मच। और ये इसे मिक्स कर देते हैं। ये हमारी एकदम चटपटी सी सब्जी बनके रेडी। इसके थोड़ी देर शक्कर को मेल्ट होने देते हैं और फिर हम इसे सर्व करेंगे। 2 मिनट के लिए ढक के छोड़ देते हैं, और इस तरह से ऐसा ही रखना है, ना ज्यादा थिक करना है, क्योंकि फिर हम खा नहीं पाएंगे। सब चीजों को मिक्स कर दिया है हमने। इसमें नमक डाला है, शक्कर डाली है, खटाई डाली है,
तो ये एकदम चटपटी सी सब्जी बनके रेडी होगी, जो कि आप रोटी के साथ भी खा सकते हो, फुलके के साथ भी खा सकते हो, बाजरे की रोटी के साथ भी खा सकते हो। और देखने में तो ये इतनी अच्छी दिख रही है, खाने में भी बहुत चटपटी है। अब 2 मिनट ढकने के बाद इस गैस को हम बंद कर देंगे और सब्जी को सर्व करेंगे। सब्जी हमारी बन के रेडी हो गई है, गैस को बंद कर देते हैं, सभी सब्जी को सर्व करते हैं। ये हमारी तरबूज के छिलकों की सब्जी एकदम खट्टी मीठी अच्छी सी बन के रेडी हो गई है। हमने इसे सर्व किया है बाजरे की रोटी के साथ, साथ में दिए हमने लहसुन की चटनी। इसको कुछ इस तरह से तोड़ के ऐसे खाते हैं। एकदम खट्टी मीठी चटपटी सी तरबूज के छिलकों की सब्जी बन के रेडी। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो नए हैं वो सब्सक्राइब करें ताकि आगे का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।